व्हाट इज अप कोडर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पांडास के बारे में कि क्या होता है पांडास और हम लोग को क्यों यूज़ करने चाहिए। मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि नंपाई क्या होता है और नंपाई हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए और किस तरह ये प्री कंपाइल्ड सी लाइब्रेरीज का यूज़ करके आपके प्रोग्राम को फास्ट बना सकता है। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि जो नंपाई होता है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं सिर्फ क्योंकि डेटा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है और बिग डेटा में ही हमको जो है स्पीड चाहिए। अगर छोटा मोटा हमारे पास 4, 5, 8 एलिमेंट्स है उसकी लिस्ट है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ एनालिसिस करने में। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग को बताऊँगा कि पांडास क्या होता है। तो पांडास हम लोग सबसे पहले क्यों यूज़ करें, सबसे पहला सवाल ये है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग एक्सेल में अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्सेल और आप लोग को एक्सेल खोल के दिखाऊं, तो एक्सेल में हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं लेकिन एक्सेल में हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि प्रोग्रामेटिकली हम एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका होता है प्रोग्रामेटिकली सेल्स को एक्सेस करने का जो कि VBA होता है, लेकिन VBA प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है पाइथन प्रोग्रामिंग से। ये VBA प्रोग्रामर्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जो लोग VBA में प्रोग्राम करते हैं और पाइथन में भी प्रोग्राम करते हैं उनका ये मानना है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो कम से कम 10 से 100 गुना ज़्यादा आसान है VBA प्रोग्रामिंग से, क्योंकि VBA प्रोग्रामिंग में लोग इतना काम नहीं करते हैं पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई एरर आ जाए VBA में तो सुबह से शाम तक लग सकता है उसको सॉल्व करने में, और अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामर हैं काफ़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को VBA की कोडिंग लिखने में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम पांडास की मदद से CSV को रीड कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कॉलम्स हैं हमारे उनको रीड कर सकते हैं और उनको डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है ये आप लोग को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने इतनी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख ही देता हूँ, यार मानने की क्या ज़रूरत है, नेम, डेट और मान लीजिए यहाँ पर अर्निंग्स। मान लीजिए आपने 5 रुपये, 6 रुपये ये कुछ पैसे आपने कमाए और इन डेट्स में, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2, 3, 18 कर देता हूँ इसको और अभी देखता हूँ कि ये नीचे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक और नेम आ जाएगा हैरी रोहन दास और स्किल एफ और इसके बाद योगेश कुमार और उसके बाद संदीप उसके बाद राहुल उसके बाद शुभम, ये नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और ये नाम लिखने का ये मतलब नहीं है कि ये लोग ग्रेट हैं, ये नाम सिर्फ यूज़ किए जाना है इस प्रोग्राम में, तो ऐसा ना समझें आप कि ये नाम इनका यहाँ पर आ गया तो इन्होंने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमेंट में मुझे ये ना बोलें कि मेरा नाम नहीं लिखा सर, आने वाले वीडियोस में मैं लिख दूंगा अगर इतना ही कुछ हुआ है तो चलिए एनीवेज ये तो रही एक बात। अब क्या करता है पांडास, इसको रीड करता है और इसको रैम में डाल देता है। अब रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस अगर आप लोग को रैम नहीं पता, हार्डवेयर में ज़्यादा नहीं घुसना है, तो आप लोग जैसा समझ लीजिए कि रैम से डेटा को एक्सेस करना डिस्क से एक्सेस करने से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। जो रैम में डेटा रहता है वो एकदम रेडी रहता है और जो डिस्क से रीडिंग है राइटिंग है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इसलिए जो है ये क्या करता है पांडास, सारे के सारे डेटा को रैम में ले लेता है और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है हमारी कंप्यूटेशन। तो कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ हमको पाइथन में लिखनी है जिसमें बहुत सारा डेटा है और हमको स्पीड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम को एकदम रेडी रखेंगे रैम में लोड करके, और उससे क्या होगा कि हम कुछ भी फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने एक्सेल में अगर Alt+DFF दबाऊँ तो यहाँ पर फिल्टर लग जाते हैं और मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ और ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो पांडास को अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यही काम हम प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो ये होता है पांडास। पांडास को इंस्टॉल करना एकदम आसान है, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग जाइए अपनी विंडोज़ पावरशेल खोलिए और वहाँ पर लिख दीजिए pip install pandas और जैसे ही आप लोग एंटर मारेंगे डाउनलोड हो जाएगा पांडास। फॉर एनी रीज़न अगर आप लोग को एरर मिलता है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है यार, लेकिन अगर आप लोग पाइथन अनऑफिशियल बाइनरीज गूगल सर्च करेंगे, रुकिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसको यहाँ पर लाकर, तब क्या होगा कि आपको एक ये मिलेगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको पाइथन अनऑफिशियल बाइनरीज। इससे क्या होगा कि आप लोग वील फाइल डाउनलोड कर पाएंगे पाइथन की और पांडास की, और आप लोग उसी फोल्डर में रखें। मैं एक काम करूँगा, एक वीडियो बना दूँगा इस चीज़ का, तो मुझे आप लोग बता देना, मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा किस तरह वील फाइल से जो इंस्टॉल किया जाता है। वैसे मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है ये सब चीज़ें, तो अगर आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं मेरी सीरीज़ को तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैं कंट्रोल एफ करके पांडास करूँगा तो ये देखो पांडास आ गया है, एक मिनट, पांडास यहाँ पर है, ये देखो क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस टूल किट।
तो यही चीज़ें ये रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स नंपाई आइडेंटिटी सारे मॉड्यूल इन पर डिपेंड करता है पांडास। खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग क्या करें अपने पाइथन मॉड्यूल के, अपने पाइथन वर्जन के हिसाब से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके इसको रिनेम ना करें। इसको रिनेम किए बिना आप लोग उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोल कर पिप इंस्टॉल पांडास लिख दें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं विस्तार में बता देता हूँ। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं देखता हूँ कितना बड़ा साइज़ है इसका, क्योंकि जियो का 1 GB मुझे अपना ख़त्म नहीं करना है। 5 MB का है तो आप लोगों के लिए इतना तो यार कर ही सकता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मुझे एरर मिलेगा क्योंकि मेरा जो है विंडोज़, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल करके। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके शो इन फोल्डर करूँगा। जैसे ही मैं शो इन फोल्डर करूँगा मैं उस फोल्डर में आ जाऊँगा जहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और ओपन पावर शेल विंडो हेयर पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर पावर शेल विंडो खुल जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा पिप इंस्टॉल, उसके बाद मैं लिखूंगा पैंडास और टैब दबा दूंगा। उससे क्या होगा, ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा अपने आप। तो ये जो फाइल नेम है ये मुझे मैनुअली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब मैं एंटर मारूंगा तो आप लोग देखिए, जैसे मैंने बोला था मुझे एरर आएगा क्योंकि मैं जो है 64-bit वर्जन यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का। तो आप लोग देख कर डाउनलोड करें, जो भी वील आप लोग डाउनलोड करें, और ये आपका इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ इंस्टॉल तो ये एरर मिलेगा आपको। तो आप लोग जो है सोच समझ के जो है वर्जन को इंस्टॉल करें पैंडास के। खैर वैसे पिप इंस्टॉल पैंडास में तो काम कर ही जाता है यार, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फॉर एनी रीज़न आप लोग को प्रॉब्लम हुई तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि पैंडास को किस तरह यूज़ किया जाता है, डेटा फ्रेम किस तरह बनाया जाता है, और हम लोग जो है यहाँ पर जुपाइटर नोटबुक की मदद से टाइम भी देख सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम में फ़िल्टर लगाकर डेटा उठाने का टाइम और नॉर्मली लिस्ट में सर्च करने का टाइम, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग किस तरह और काम कर सकते हैं पैंडास में, इनबिल्ट कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर से अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट अगर आप लोगों ने नहीं किया तो शायद हम लोग कभी ना मिले, इसलिए बेल आइकन पर ज़रूर से हिट कर दीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।